मेरे सारे भाई ने किसी को सारे ठीक हो तो आज थारे खातर मिल रही क्या ऐसी चीज जो कि भाई पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि उनने चुग्गा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है भाई। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी आने लग रही है। थम कितना पानी पियो, वो थम भी तो पियो ना, डेली की डेली 2 लीटर पानी तो थम भी पिया करो। और दूसरी चीज, पक्षियों ने भी गीला पानी पिया करो। और मैं थारे खातर एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो कि बहुत आसान है, ठीक है। और भाई अपन क्या करना, पेड़ा बटांगनी है, ठीक है, पानी भरना है डेली और थोड़ा थोड़ा चुग्गा डालना है, सारी चीज परफेक्ट हो जाओगी, ठीक है भाई। थोड़ा भलाई का काम भी कर लिया करो। आज थर तो दिखाता हूँ करके करना था, नुए करना था हमने भी साथ में। धर्मेंद्र जी सरकारी विभाग से है और इधर जो खड़े हैं अपने दीपक जी हैं, ठीक है, ये अपने पंचकर्म केंद्र से है भाई, ठीक है। तो ये तो भाई मानव सेवा कर रहे हैं और ये पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपने भी नुए सेवा करनी है। एक बार ये देखो, चुग्गा पानी यड़ वगैरह, पानी और यड़ वगैरह भाई चुग्गा, ठीक है भाई। ये नंबर लिख रहा है, अगर किसी ने भी चाहिए तो भाई इस नंबर पर ना कॉल कर लियो, थारे फ्री मिल जाओगे यो। और आपने सिर्फ लगाना है, उसकी वीडियो बनानी है, मेंशन कर दियो, ठीक है भाई, बस इतना काम करना आपने, ठीक है। और ये लगाना क्यों करा है उसका तरीका बताता हूँ मैं आपने। यड़े के ये तीन ये दे रखे है भाई तार डालने के, ठीक है भाई, तार गाल के और पीछे ने एक ऐसी कुंडी सी बना लेनी है, ऊपर इसकी कुंडी बना लेनी है, ठीक है भाई। और ऊपर टांग देना कितने भी, जिस तरह देखो यो टांग रखा, ठीक है भाई। और इसके टांगने के बाद पानी कुकर डालना है, वो भी मैं थारे बता दूँ, एक मिनट भाई। गिरना है कितना, गिरना है मात्रा में, गिरना कदे भर दो पूरा, ठीक है भाई। और भाई आप इसको ना निकाल भी सकते हो, देखो इसने निकाल के इसने धो के बढ़िया तरीके से, धोने के बाद फिर इसमें चुग्गा डाल सको, फिर दोबारा डाल सको भाई, ठीक है। और तीसरी चीज़ यह है कि भाई इसने पूरे ने भी तार का दोबारा दो दागा ना कर सको थम, ठीक है भाई। सर बताऊँगे इसकी और सारी चीज़ें, जो मैंने बेरा थी वो तो मैंने आपको बता दिया, जो सर ने बेरा है वो सर बताऊँगे, बताओ सर एक बार। नमस्कार साथियों, भाई अभी मिले मुझे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत इन्होंने जो इनिशिएटिव मैंने ले रखा था उसमें इन्होंने मेरी मदद करने की सोची, बहुत अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताना चाह रहा था, इस सर्दियों से हमने इसका प्लान किया हुआ था और अलग अलग हमने कंटेनर्स तैयार किए थे, कोई ना कोई उसमें फॉल्ट आ रखा था, तो ये फाइनल किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे इसमें करना है, आप थोड़ा नज़दीक आएंगे तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए, हमने इसको इसकी ऊंचाई इतनी रखी कि अगर एक तोता कौवा जो कि एक बड़ा पक्षी होता है वो इतनी बीक नीचे तक पानी को यहाँ से सक कर सकता है, हमने इसकी ऊंचाई उतनी रखी। इसमें 2 लीटर के करीब पानी इसमें आ जाएगा और इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और इसमें हम गर्मियों में सफ़ेद जवार और रोटी के टुकड़े और दलिया डाल सकते हैं और सर्दियों में बाजरा डालेंगे। इसके बीच में यहाँ पे छेद है, आप ध्यान से देखेंगे, छेद इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में या कभी बिना सीजन के बारिश आ जाए तो इसमें डल के वहाँ से निकल जाएगा और इसके अंदर पानी चला जाएगा, तो उससे जो दाना है वो उपजेगा नहीं और ना उसमें वो सड़ेगा दाना। और इसकी जो ये हाइट है, हमने हाइट इस हिसाब से रखी है कि पक्षी की चोंच इसमें अड़े ना, यहाँ पे आराम से वो यहाँ पे अपना पानी पी सकता है। और ये ऊपर आकर जो ये तार हैं यहाँ पे वो बैठेगा तो किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, ये गिरेगा भी नहीं। और इसको एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसको हम एक ऐसी ऊंचाई पर रखें कि वहाँ पर स्टूल लगा के और हम वहाँ पर पहुँच पाएँ, ना इतना नीचा रखें कि उसको कोई किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे, ना इतना ऊंचा रखें कि हर रोज़ उसमें दाना पानी डालने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम आए। और अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, वो आप हमें बताएँ, क्योंकि ये पूरी तरीके से जीव प्रोपकार सेवा समिति है, उसके कई आयाम हैं, मिशन छाया है, मिशन चुग्गा पानी है, मिशन मर्रम है और मिशन हर हाथ कलम है, मिशन भोजन है। तो मिशन चुग्गा पानी अब की बार शुरू किया गया तो ये निशुल्क है, सिर्फ आपसे एक शुल्क हम ये चाहते हैं कि ये पक्षियों के लिए आप दाना पानी की व्यवस्था करते रहें। और आगे गर्मी का सीज़न हटने के बाद बारिश का मौसम आएगा, वो टाइम पेड़ पौधे लगाने के लिए ज़रूर हैं, तो आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि धरती का जो वास्तविक रंग है हरा, वो एक बार दोबारा से हम सभी करेंगे और अवश्य ही निश्चित रूप से धरती का हरा रंग होगा और पूरे वातावरण को शुद्ध वायु मिल सकेगी और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके साथ हम न्याय कर पाएंगे। तो भाई सर ने जो बताई है उस बात ने फॉलो करो, अगर फॉलो करोगे तो थारे जीवन में भी खुशी आवेंगी, ठीक है भाई, क्योंकि वो बात है, अगर आप दूसरे की खुशी देखेंगे तो अपने जीवन में खुशी आनी है भाई, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है भाई। हरा भरा बनाओ हरियाणा ने, क्योंकि पहले हरा भरा था, ये भाई पेड़े वेडे मत काटा करो,
ठीक है, पराली वराली मत जलाया करो भाई। जो ये मूक प्राणी है ना, जो ये आशीर्वाद दे देते हैं, वो जो बोलने वाला है उससे 10 गुना ज्यादा इनका आशीर्वाद फलीभूत होता है, ये लिखा हुआ है वेदों। ठीक है भाई, तो सारे भाइयों ने राम राम, अगली वीडियो मिलेंगे।